आपको टायर इन्फ्लेटर की अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। हमारे पास एक इन्फ्लेटर पहले से और एक अभी ये आया है। ये मेरे दादू की गाड़ी के लिए। हमारा जो पहला वाला है वो इलेक्ट्रिसिटी और कार से भी चलता है। ये देखते हैं ये कैसे चलता है। ये शायद बिल होगा। चलो ऊपर का खोलते हैं। ये खुल गया। अब इससे भी फ्रेंड्स ये वो मशीन है। ये उसके अलग अलग नॉजल है, बॉल, साइकिल, कार एक्सेट्रा। ये थैंक यू कार्ड है और ये वारंटी कार्ड है। ये देखो इससे कैसे घूम रही है पूरा नीचे तक। ये पावर ऑन है और यहाँ पे लाइट भी है। ये देखो और ये टॉर्च जलती है, अगर आप चाहो तो जला सकते हो। ये प्रेशर तेज करने ज़्यादा करने के लिए और ये प्रेशर कम करने के लिए। ये टायर या बॉल पे लगेगा, ये कार में लगेगा। ये इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला नहीं है, ये सिर्फ गाड़ी से चलेगा। चलो हम टेस्ट करते हैं। ये गाड़ी में लगा दिया है। देखो टायर पे लगा दिया है। तो ये देखो टायर का प्रेशर दिखा रहा है। हम इसे सेट कर देते हैं कि कितना टायर को चाहिए। 35 चाहिए होता है वैसे तो। ये प्लस करते हैं। मैंने इसे 35 PSI पे सेट कर दिया है। अभी नॉर्मल टायर में ट्राई करते लगाती हूँ किस में कितना है। देखो टायर में 29.5 है। तो अगर मैं इसे स्टार्ट कर दूँ 35 तक बढ़ जाएगा। बहुत तेज आवाज आ रही है ना। ये स्विच टॉर्च जलाने के लिए। दिखाओ। ये टॉर्च ऑन हो गई और ये ऑफ हुआ। ये टॉर्च बंद हो गई। देखो 35 मिनट के बंद हो गया ये। पर बहुत ज्यादा देर लग गई थी इसमें। बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया। और ये देखो इतनी गर्म हो गई है, जलने वाली हो गई है। इसमें मजा नहीं आया। जो हमारा पहला वाला है वो इतना अच्छा है, जल्दी से भर देता है।